और समस्त पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं बहने और युवा, आप सब आज इतनी भारी संख्या में यहाँ आए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल पहले राजवर्धन जी जब राजनीति में आए थे, आप उन्हें खिलाड़ी के रूप में जानते थे और एक सैनिक के रूप में। आपने तब उन्हें भारी मतों से जिता के संसद में भेजा, आप सबका बहुत बहुत आभार। पिछले 5 साल के कुछ अनुभव मैं आपसे आज साझा करना चाहती हूँ। राजनीति में कोई अनुभव नहीं था, फिर भी हर एक कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रतिनिधि, बुजुर्ग, भूतपूर्व सैनिक, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा सभी राजवर्धन जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। चाहे वो कोई भी योजना हो या कोई भी काम जो जयपुर ग्रामीण के लिए सोचा हो, उसमें सभी ने अपनी पूरी भागीदारी दी है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यही कारण है कि पूरे जयपुर ग्रामीण का एक चौमुखी विकास हो पाया है। और पूरे जयपुर ग्रामीण के युवा राजवर्धन जी के लिए खास ही नहीं, बहुत बहुत खास हैं। चाहे वो आर्मी भर्ती रैली शुरू कराई, या महाखेल का आयोजन, या स्टेडियम बनवाए, आप सब की भागीदारी रही है इन आयोजनों में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल मोदी जी की जो सभा हुई थी, उस सभा में जो जोश था और गूंज थी, वो दिल्ली तक पहुंची। और आज ये जो सभा है, आप सब का जो आज दिख रहा है, आप सबकी खुशी जो चेहरे पे दिख रही है, इससे एक बात तो निश्चित है, इस बार फिर आप सबसे मैं यही प्रार्थना करूंगी, आने वाले 6 मई को जो हमारा चुनाव है, इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए कमल पे पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गायत्री जी को सुनने के बाद में पूर्व कांग्रेस किया कि सब कुछ प्रचार हो गया, कलर साहब का सबका मनोर आता है,